तुम हमारी आंख की तरफ देखो, अरे ऊपर का ही जा रहे हो भाई, नीचे आना है तुमको, हम तो नहीं आ रहे, हमारी मर्जी, हम ऐसे खड़े रहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं भाई जजिया का उन्हें पता चला ठीक है, नहीं अभी तो मुझे लग रहा है मैं जजिया पेश कर दो डेट का मुझसे। मीत ने सिखाया है, अब मैं मीत के भरोसे चलने वाला हूँ 2 महीने, ताकि मेरे पास गाली देने के लिए कोई हो, फिर मेरे को बोलने हो जाएगा। मीत अगर मुझे बोलेगा फिर उसके बाद के ऊपर मुंह करके कुछ दो कुछ दूंगा। सर आप भी सुसाइड करने का सोच रहे हो? नहीं भैया, अपन मैं सर पहले मेरे को बाहर आ जाने दो, फिर करना जो करना है। वो ऐसा लग रहा था जैसे इसने हाथ पकड़ा, मेरे को लग रहा था ये छोड़ देगा क्योंकि इसका हाथ था गीला, हाथ ऐसे करके मुझे चलना, मैंने की इसका अपनी रिस्क लूंगा। आप आपको कैसा लगा? मैं तो छोड़ देता हाथ, ऐसा देख रहा हूँ सर, तुम खड़े हो ना एक बार मैं देख लूँ, ताकि मैं बोलूँ तो कुछ सही रहे ना, कुछ मोटिवेशनल थॉट बोल दूँ तुम्हें। हाँ मैं आपको अपने साथ सेट कर लूँगा। हम बड़े हैं, अदब से बात करो, मुंह उठा के बात करो, मुंह झुका के नहीं। आपका बच्चा आज कितना इंप्रूव कर गया है मेरी वजह से, प्रूव देम राइट कि वो ना सही स्कूल में डाला है, ना कि ये प्रूव करो कि एक रोते हुए बच्चे के पास हम अपने दूसरे बच्चे को छोड़ के चले गए। सही बोला, सही है, बहुत बढ़िया, ये बहुत तगड़ा, अच्छा था, बहुत तगड़ा। एक बार हुआ था मेरे साथ भी, एक टीचर थी जिसे मेरे घर पे कॉल करना ही था, होता नहीं है वो कि इसके तो घर पे कॉल करना ही है किसी भी बात पे। तो क्या हुआ कि दोस्त जा रहा था, तो मैंने वैसे यूं ऐसे कर दिया इस बात पे, उसने स्कूल में घर पे फोन कर दिया, यूं ऐसे करके क्योंकि कैसा है मेरे घर पे फोन कर दिया, कह रहे कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं लगा रहा है, पता था ये लिख के आएगा, मेरे को पता था ये लिख के आएगा। क्या लिखा है? बच्चे हो तुम, केक काटने का समय आ गया है, तुम बोल के बताओ। तुम्हारा तो वो मीम बहुत शानदार लगता है, हैप्पी बर्थडे वाला, यहाँ पे कर रहे हैप्पी बर्थडे फ्रेडी। इधर मुंह दिखा, मुंह दिखा, मुंह दिखा, मुंह दिखा, मुंह दिखा, हेलमेट के साथ। नमस्कार, नहीं नमस्कार क्यों बोल रहा हूँ, बेसिक बात बतानी है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि आखिर इतने सारे न्यू फेसेस तुम्हें क्यों देखने को मिल रहे हैं, मुझे भी सेम लग रहा था जब मैंने कॉमर्स बाबा को टीम कॉमर्स बाबा में ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया था। एक ऐसा चेंज लेके आना चाहता हूं जो शायद कॉमर्स ने आज तक नहीं देखा है। पीसीएम में तुम देखते आए हो कि मल्टीपल फैकल्टीज होती हैं, एक पूरी टीम होती है, अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग टीचर होता है ताकि इक्विवेलेंट टाइम दे सके हर एक सब्जेक्ट को, ना कि सिर्फ एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, जो गलती भाई तुम्हारा पहले खुद भी कर चुका है। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है मेरे लिए खुद के लिए भी, एंड तुम्हारे लिए भी वो चेंज होगा। सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं, जैसे पीसीएम के स्टूडेंट्स में तुमने क्रेज देखा होगा सपोर्ट करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का, बिकॉज 100% कंटेंट इज गोइंग टू बी फ्री, तो मुझे वो चीज तुमसे भी चाहिए। मतलब अगर ये रिवोल्यूशन लेके आना है तो मैं अकेला नहीं लेके आ सकता, और बोला भी जाता है कॉमर्स के बच्चों के बीच, पता नहीं क्यों ये चीज बहुत इनफेमस है कि ये कॉमर्स के बच्चों का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैं तुम्हें ये प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं जहां वो सपोर्ट तुम लोग मुझे दो, जो मैं कर रहा हूं, अपनी जेब से पैसा लगा रहा हूं, अपने रिसोर्सेज लगा रहा हूं, सिर्फ एक चीज के लिए कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट मिले। और वो जो पीसीएम में कम्युनिटी डेवलप होती है, वैसी मैं तुम लोगों को वो कम्युनिटी डेवलप करके दूं। पहली बार इंडिया में कॉमर्स में ऐसा कुछ होने जा रहा है जहां पे सिर्फ कॉमर्स बाबा नहीं होगा, टीम कॉमर्स बाबा होगी। धन्यवाद।